सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्ते। आज क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, 12th क्लास एक्सरसाइज 3.2। आपका एएससी स्टार्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डे नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ए इसमें हमें गिवन दे रखा है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया पूरा, ये हमें प्रूव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इसे कराने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कोस अल्फा का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, 1 - tan² α 1/2, 1 + tan² α 1/2। साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan α 1/2, 1 + tan² α 1/2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं फॉर्मूले इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ आंसर। ठीक है, आई कितना दे रखा है, 1001, सबको पता है। ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 0 tan α/2, -tan α/2, 0। ठीक है, इक्वल टू में आई कितना है, 1001, उसके बाद माइनस अल्फा कितना दे रखा है, ए सॉरी 10α/2, माइनस का 10α/2, 0। उसके बाद ये पूरा उतार लेंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसको इसमें ऐड कर दो, क्या आ गया, 1 - tan α, 10α/2 है। ठीक है, ये आ गया 1, इसको इसमें ऐड कर दिया। अब इसको इसमें से पहले माइनस करो, तो 1 ये क्या हो गया, प्लस का 10α/2। ठीक है, इसमें करो माइनस का 10α/2, ये आ गया 1, ये आ गया कोस अल्फा साइन अल्फा। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट कर लो। मैंने आपको वैल्यू बताई थी ना, कोस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 - tan² α/2, 1 + tan² α/2। ठीक है, अगर नहीं दिखा जाए तो सुनाई दे रहा है, तो उसको तब लिख लेना सुन के, 1 + tan² α/2। अब माइनस साइन का क्या होता है, 2 tan α/2, 1 + tan² α/2। कोस का क्या होता है, 1 - tan² α/2, 1 + tan² α/2। ठीक है, ये चीज हमें लेकर आनी है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, हम आरएचएस ले लेंगे। ठीक है, आरएचएस ले लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। ठीक है, देख लो, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कैसे करेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम। हमें ये चीज लेकर आनी है, अब मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा, वही सेम आ जाएगा, 1 - tan² α/2, 1 + tan² α/2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो प्लस में, क्या हो गया, ये 2 tan² α/2। ठीक है, अब अपॉन में क्या आ गया, 1 + tan² α/2। ठीक है, हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 tan α/2, 1 + tan² α/2। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10α/2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10
कि क्यूब हो जाएगा अल्फा बन में टू वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बन में टू। ठीक है, हमने इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करी या इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें करी या। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन अल्फा बन में टू माइनस का ये हो जाएगा प्लस टेन की क्यूब हो जाएगा, टेन की क्यूब अपन में अल्फा बन में टू, इसकी मल्टीप्लाई हमने क्या करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ये सेम उतर जाएगा, टू टेन अल्फा अपॉन में टू लगा देना और वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू। ठीक है, हमने ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या होगा, माइनस का टू टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू। ठीक है, अच्छा ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, वन किस में हो जाएगी, तो ये सेम उतर जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब नीचे वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दी, अब ध्यान से देखो, टू टेन स्क्वेयर अल्फा में से एक चला गया कितना बचा, मतलब टू टेन में से एक चला गया कितना बचा, प्लस का बचा नीचे वाला, तो सेम रहेगा एलसीएम में। ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू। ठीक है, ये सब में चलेगा, अब देखो इसका भी एलसीएम लेके नीचे वही आएगा, तो टू टेन अल्फा एक चला गया, क्या बचा ऊपर, टेन क्यूब अल्फा अपॉन में टू प्लस टेन अल्फा अपॉन में टू, नीचे सेम रहेगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये अलग है, ये इसको सॉल्व करो, देखो ये तो नीचे वाला तो सेम रहेगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू। ठीक है, ये सेम रहेगा, अब उसके बाद बताओ, ये है इसमें ये टेन अल्फा है और ये है, तो ये कितना बचा, माइनस का टेन अल्फा अपॉन में टू बचा और माइनस का टेन की क्यूब अल्फा अपॉन में टू बचा। ठीक है, और अब नीचे वाले में आ जाओ, यहाँ का बचा वन और ये टू में से बन गया, प्लस का बचा, प्लस की रकम बढ़ी है। ठीक है, टेन अल्फा स्क्वायर अपॉन में टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन में टू। अब ध्यान से देखो, ये पूरा इससे कट गया, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखो, इसमें अगर हम इसमें टेन अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा सेम से कट जाएगा, ये इससे पूरा कट गया, इसमें माइनस टेन अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा से कट जाएगा। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेके कर लेना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अब ध्यान से देखो, यहाँ तो वन बचा, इसमें टेन अल्फा अपॉन में टू कॉमन ले लेंगे, टेन अल्फा अपॉन में टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू प्लस वन, नीचे क्या बचा, वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू। ठीक है, और ये पूरा है, तो उसके बाद अब इसमें क्या, माइनस का टेन अल्फा कॉमन ले लिया, माइनस का टेन अल्फा अपॉन में टू कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन में टू, ये कट गया था तो यहाँ वन बचा। अब देखो इसमें ये कट गया, इसमें ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया वन, नीचे क्या आ गया, टेन अल्फा अपॉन में टू, यहाँ का बचा माइनस का टेन अल्फा अपॉन में टू, यहाँ का बचा वन, तो हमें ये प्रूव करना था, तो हमारा आंसर आ गया एल एच एस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे का आंसर आएगा वन टेन अल्फा अपॉन में टू माइनस टेन अल्फा अपॉन में टू वन। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझा दिया। मेन क्या है, मेन है इसमें आपको मल्टीप्लाई जो आनी चाहिए, जो मैट्रिक्स का रूल होता है मल्टीप्लाई वाला, रो इनटू कॉलम, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया 18, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।
अब आपको एक मिनट रुकना पड़ेगा, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोला गया कि एक ना ट्रस्ट फंड है, ठीक है, उसमें 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं अलग अलग दो बॉन्ड्स में, ठीक है। तो उसने बोला है कि दोनों पे अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है, एक पे 5% मिलता है, एक पे 7% मिलता है, और कह रहा है दो इस तरीके से पैसे लगाओ कि पहले वाले केस में 1800 मिले और दूसरे वाले केस में 2000 मिले, मतलब कितना कितना हम पैसा दोनों फंड में लगाएं कि हमें जो इंटरेस्ट है कुल मिला के ए केस 1800 मिले, बी केस 2000 मिले। तो सबसे पहले इसे मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मान लिया हमने पहले वाले बॉन्ड में हमने एक्स रुपये लगा दिए, दूसरे वाले में हमने कितने लगाएंगे 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, पहले वाले में एक्स लगा दो, दूसरे वाले में 30,000 माइनस एक्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे 30,000 रुपये है। अब पहले वाला जो बॉन्ड है, फर्स्ट है सेकंड बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है बॉन्ड, ये क्या है अमाउंट, ये क्या है बॉन्ड। अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इस पहले वाले पे मिल रहा है 5%, ठीक है, और दूसरे वाले पे मिल रहा है 7%। तो इसने बोला है कि हमें टोटल मिला के जो इंटरेस्ट है वो 1800 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 1800 रुपये। तो इसने बोला कि इसको मैट्रिक्स के द्वारा सोल्व करो, इसके द्वारा सोल्व करो मैट्रिक्स के द्वारा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि x और 30,000 माइनस x, इसको हमने रो में ले लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या ले लिया कॉलम में ले लिया, पहले वाले 5% है, दूसरे वाले पे कितना है 7%, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 1800 आना चाहिए, यहाँ पर सीधा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम, सिंपल सी बात है। अगर बिना मैट्रिक्स से करना होता तब भी आप इसे कर देते, प्लस 30,000 माइनस एक्स भार गया 7/100 इजिकल टू में कितना 1800, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे सॉल्व, कर ही लोगे, नहीं करोगे तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि फटाफट को ख़त्म करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया है, मेरी एक्स से ज़्यादा खींच गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, उसका दूसरा पार्ट खुद कर लेना, 1800 की जगह वहाँ पे क्या लिख देना 2000 लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 है, 20वां क्वेश्चन बोला है कि बुक शॉप है, उसमें 10 जो डजन है वो केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स की है, 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है, और वो 80-60-40 रुपए की बेची जाती है। तो टोटल मिला के आपको निकालना है कि कितने रुपए बिक्री के मिलते हैं, कुल कितने रुपए प्राप्त होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप एक को रो में और एक को कॉलम में लिख लो और उसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर निकल जाएगा कि कुल कितने रुपए तुम्हें प्राप्त हुए, ठीक है। तो हम डजन जो है, जो डजन है वो हम रो में लिख लेते हैं, ठीक है। तो डजन कितने कितने डजन था, 10, 8 और 10, और रुपए कितने थे एक यूनिट के 80-60-40। अच्छा एक बात बताओ, अभी सूत्र मैंने इसे रो में से कॉलम में लिखा है, क्यों लिखा है, मैंने इसको कॉलम में क्यों नहीं लिखा, देखो मैंने आपको पहले ही रूल बता दिया था कि ये रो कितनी है एक, कॉलम कितने है 1, 2, 3, क्या रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 1। मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई तभी होती है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। एक और बात, अब हमें सबसे बड़ी बात, हमें जो आंसर लाना है वो खाली एक वैल्यू लानी है ना, हमें जो आंसर लाना है उसकी एक ही वैल्यू तो लानी है, तो रो और ये आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा, आंसर इस पे इसके ऊपर निर्भर करता है, दोनों में एक एक है ना, तो एक वैल्यू आएगी। अगर सपोज करो मैंने रो ले ली 3/3 × 1 ले लिया होता, ऐसे ले लिया होता, और मैंने दूसरी वाली क्वेश्चन 1 × 2 ये ले लिया होता, तुम कहोगे भैया मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, हाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई,
लेकिन जो आंसर आएगा वो 3x3 में आएगा। 3x3 का मतलब समझते हो ना कि मैट्रिक्स जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3x3 का मतलब होता है 9, यानी कि 9 एलिमेंट आएंगे। लेकिन जो हमें आंसर निकालना है, जो हमें टोटल किताब के जो पैसे निकालने हैं, वो एक ही तो जीरो निकालेगा, टोटल कितने रुपए, टोटल मतलब होता है टोटल, तो वो एक ही तो हुआ, तो वो जो एक निकालना है तो हमें एक वैल्यू चाहिए। तो एक वैल्यू इस तरीके से हमें दोनों वैल्यू को किस तरीके से लिखे कि एक वैल्यू आए। अगर मैंने ऐसे लिखा होता तो मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यू आ जाती। मुझे 9 वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे टोटल एक वैल्यू निकालनी है। इसलिए जो वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं कि इसे लिखे कैसे, ये इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से लिखे। शुरू से में दिक्कत आएगी, मान लो किसी बच्चे ने 3x1 लिख दिया पहले वाले को, दूसरे को 1x3 लिख दिया, तो देख के समझ जाएगा अरे ये तो 3x3 आ रहा है, यानी कि तो 9 आंसर आ रहे हैं, मुझे तो एक आंसर चाहिए, तो मैं इसको पहले लिख दूंगा और इसको बाद में लिख दूंगा, तो ये दोनों सेम हो गए, मल्टीप्लाई हो सकती है और ये एक आंसर आएगा। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि लिखने का तरीका क्या होता है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है अगर एक्स जो है मैट्रिक्स है, ठीक है, वो 2x n में है, ठीक है, वाई जो मैट्रिक्स है वो 3x k में, ठीक है, और जेड जो है वो है 2x p में, उसके बाद डब्ल्यू जो है वो है n x 3 में, और जो पी वैल्यू है वो है p x k में, ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर पी वाई और डब्ल्यू वाई हो तो कौन सा आंसर ठीक होगा, ए बी सी या डी, कौन सा सही होगा। अब एक बार बताओ, दोनों जनों की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है रो इनटू कॉलम। यहाँ इसने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, इसका मतलब ये दोनों सेम है, तभी तो मल्टीप्लाई हो सकती है ना। अब पी कौन सा है, पी कौन सा, ये रहा, समझ में आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो, तो यहाँ पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है पी इंटू के, यहाँ पे जो रो कॉलम दे रखा है वो पी और के दे रखा है। वाई का कितना दे रखा है, वाई का दे रखा है 3x k, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इनके के बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, के बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, और पी बराबर क्या आ गया, के, पी बराबर क्या आ गया, के, ठीक है। अब हमें चार ऑप्शन देख के ऐसा कुछ लग नहीं रहा, के बराबर 3 तो मिल गया हमें, यानी कि पहले वाला ट्रू हो सकता है या सी ट्रू हो सकता है, लेकिन अभी पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है डब्ल्यू वाई को यूज करेंगे, डब्ल्यू का वैल्यू कितनी है, n x 3, और वाई की वैल्यू कितनी है, 3x k। आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये क्या हुआ, n बराबर क्या हुआ, k आ रहा है, और k की वैल्यू किसके बराबर है, k की वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर है, यानी कि n बराबर क्या आ गया, p बराबर क्या आ गया, n, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ए हमारा ऑप्शन आंसर आ गया, ए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन आपको खुद करना है। इस तरीके से मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन करा दिए, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ए एस एस स्टार्टर में आपका बहुत बहुत वेलकम है, और आपको बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग।